हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग बाय निकी। मैं हूं आपकी फ्रेंड निकी और मैं आपके लिए सबके लिए एक स्वादिष्ट डिश लेके आई हूं जो कि है एग करी। ये मैं दो जनों के लिए बनाने जा वाली हूं, तो उसके लिए चाहिए मुझे चार अंडे जो कि उबले हुए हैं, छिले हुए हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए दो मीडियम साइज़ के प्याज जो कि मैंने हल्का सा ग्राइंड किया हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मुझे चाहिए दो मीडियम साइज़ टमाटो और एक हरी मिर्ची का पेस्ट और धनिया जो कि मैंने कट करके रखा हुआ है गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा चाहिए होगा नमक स्वाद अनुसार और हल्दी चाहिए मुझे 1 टेबल स्पून, चिकन मसाला चाहिए 1 टेबल स्पून, धनिया चाहिए 1 टेबल स्पून और ये है मस्टर्ड, सरसों का पाउडर, मतलब काला बीज होता है, वैसे मैंने पीले बीज का ये पाउडर लिया हुआ है 1/2 टेबल स्पून, और चाहिए तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग और मोटी इलायची लेना है। इसमें डालना है हमें 1.5 चम्मच ऑयल, मतलब 1.5 चम्मच, क्योंकि हमें अंडे जो हैं हमें इसमें तलने हैं, गोल्डन करने हैं, इसलिए इसका नाम है गोल्डन एग करी। तो अब हम कढ़ाई में डाल देंगे ये हमारे 4 एग्स, इन्हें हमें प्रॉपर गोल्डन कर लेना है कलर में, पूरा अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको। और जैसे ही फ्राई हो जाते हैं तो हमें एक प्लेट पे टिश्यू पेपर वगैरह बिछा के इन्हें निकाल लेना है ताकि इनका तेल ऑब्जर्व उसमें हो जाए। ये देखिए हमारे जो एग्स हैं कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मैंने इन्हें एक टिश्यू पेपर में निकाल लिया है। अब हम इसके तड़के के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जीरा, लौंग जो भी मैंने अभी बताया था वो हमें एक साथ डाल देना है। और एक गाइस मुझे एक चीज़ और बतानी थी, मैंने ऑयल इसमें थोड़ा कम कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा था, मैंने लगभग 3 टेबलस्पून उसमें से निकाल लिया है। और जैसे ही अभी ये फ्राई हो जाता है हमारा जीरा, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च और मोटी इलायची, हम इसमें डाल देंगे अपना जो हमने प्याज, दो मीडियम प्याज हैं उसको पहले चॉप किया था, फिर उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, तो हम अब उसमें अपना प्याज ऐड कर लेंगे। अब प्याज को हमें ज़्यादा अभी डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे ट्रांसपेरेंट होने देना है कि इसमें से खुशबू आने लगे, तभी हम ऐड कर देंगे इसमें अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे, भूंजेंगे, भूनेंगे अच्छे से। अब इन दोनों को तब तक फ्राई करेंगे तब तक इन चीज़ों का, इन तीनों का हमारा फ्लेवर जो है अच्छे से इनहेंस हो जाए, एक दूसरे मिल जाए। और जैसे ही मिलता है तब तक, जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं एक पेस्ट बना रही हूँ वो 5 मसालों का जो मैंने पहले बताया था अपना, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, चिकन मसाला और मस्टर्ड पाउडर और मिर्ची, इसका जो पेस्ट है हम मिला लेंगे इसमें और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि ये एक साथ पकें और इनका तेल छूट जाने तक हम इनको पकाएंगे सिम गैस में कम से कम 10 मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स ये तेल छूट गया है, कितना अच्छे से फ्राई हो गया है, इनका कितना अच्छा कलर आया है। तो इसकी धीमी गैस में 10 मिनट से फ्राई हो रहा था, अब ये अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपना 4 एग्स जो कि हमने फ्राई किए थे, इन्हें अब डालकर मसाले में हम एक तरह से रैप कर लेंगे, मसाला इन पर चिपक जाए। और फिर हम इसमें 3/4 गिलास वाटर ऐड कर लेंगे इसमें, मतलब पूरा ग्लास नहीं, गिलास में से थोड़ा सा कम, 3/4 ग्लास हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसमें हम अपना नमक ऐड कर देंगे, ये मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब जस्ट मिलाकर इसको सिम गैस पर सब्जी को छोड़ देंगे, पकने देंगे इस करी को 15 मिनट्स सिम गैस पे, बिल्कुल करना है 5-5 मिनट में इसका चलाते रहना है ताकि देख लेना है कितना पक गया है। अब जस्ट इसको 15 मिनट तक कम गैस में से पक, देखिए फ्रेंड्स ये 15 मिनट से सिम गैस पर थी सब्जी और ये ऑलमोस्ट डन हो गई है, इसका ग्रेवी पक चुका है अच्छे से, तेल छूट चुका है, ऊपर अच्छे से तेल आ रहा है, इसमें खुशबू आ रही है। अब हम इसमें गरम मसाला 1/4 स्पून इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए, और जो हमने धनिया काट के रखा था उसे गार्निश करेंगे। और जस्ट इसको अब 1 मिनट के लिए आपको ढक देना है और उसके बाद आपको गैस बंद कर देना है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो गोल्डन एग करी है वो तैयार हो चुकी है। काफ़ी टेस्टी लग रही है और इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही रेसिपी आपको मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।